इस बार वोट हो रहा है डॉक्टर जावेद साहब को? इस बार डॉक्टर जावेद को वोट नहीं होगा। किसको वोट होगा? इसको एमआईएम को वोट होगा। एमआईएम को, एमआईएम का विधायक भाग जाता है? नहीं, एमआईएम का विधायक भाग जाता है, उसका कोई, उसका पार्टी को कोई दोस्त है? उसका विधायक का दोस्त है। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? कोई खास प्रोग्राम अच्छा नहीं रहा। आप किसके सपोर्टर हैं? मास्टर मुजाहिद के सपोर्टर में। तो मास्टर मुजाहिद साहब तो कहना है, लोग कहना कि वो बीजेपी से हैं। बीजेपी से? बीजेपी हमको बीजेपी से मतलब नहीं। हाँ। जदयू से मतलब, हमको मास्टर मुजाहिद से मतलब। मास्टर मुजाहिद विकास किया है। हाँ। हम मास्टर मुजाहिद के साथ हैं। अख्तरुल ईमान है? अख्तरुल ईमान के हैं। फिर यहाँ आए कांग्रेस के सवाल? हम लोग देखने के लिए आए, हेलीकॉप्टर देखने के लिए। कैसा लगा प्रोग्राम? थोड़ा कोई खास नहीं था। जलान अगर साथ में है तो यही समझ लीजिए कांग्रेस को खरीदने का ताकत है। अच्छा। किसी को भी खरीदने का ताकत है, उसने खरीदा है, उसको दिया होगा 2-4 लाख रुपए। गरीब आदमी ऐसे रहे, तुम्हारा खाती बनवा देंगे, घर बनवा देंगे, तुम इसको वीडियो को वापस ले लो। ऐसा ये डिटोल से हाथ धोने वाला जो बात है, ठीक है, और खिड़की से ताक करके वो 1.5 किलोमीटर तक झांकने का काम है। पहले वो कैमरे में बैठ के देखता है कि है कौन, हमारे लायक बैठने लायक है तो हम उसको बुलाएंगे अंदर, नहीं होगा तो नहीं बुलाएंगे अंदर। लेकिन उस मीडिया वाले को जवाब देते देते मौलाना साहब का है ना दामन भीग गया था, लेकिन जवाब नहीं दे पाया था। मौलाना साहब रो दिया था कि आज एक पत्रकार ने हमसे क्या सवाल पूछ लिया कि सरकार हमारी, एमपी हम, और हमारे 450 करोड़ अलीगढ़ का फंड नहीं दे रहा है। तो मास्टर मुजाहिद साहब के साथ, मुजाहिद साहब के साथ हैं। फिर इस प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ पे कांग्रेस के सभा में आए हैं? कांग्रेस का सभा में तो देखने आए। क्या देखने आए थे? बस कैसा लगा वोट करें आप लोग? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मजबूरी है। मजबूरी क्यों? मजबूरी क्या मजबूरी? ये है कि हमको सीट बचाना है। सीट बचाना है? हाँ। ये आप राहुल गांधी को, राहुल गांधी को देख के वोट? मेरा फर्स्ट बार वोट होगा इस बार। हाँ। और इंशाल्लाह हम राहुल गांधी को ही वोट देंगे, क्योंकि मेरा फेवरेट लीडर है, इसलिए हम राहुल गांधी को ही वोट देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोगों का जो सांसद डॉक्टर जावेद साहब है, ये हम लोगों का सुख दुख का आवाज बन करके उछलता नहीं है। डॉक्टर जावेद दिक्कत है? नहीं नहीं, हम लोग कांग्रेस को देखे आए हैं और उसी को देंगे। कांग्रेस को देखिए, हाकोंज ब्लॉक तो हम लोग का ये वन में रहेगा। इसका ठेका लेकर के तो किशनगंज का जनता बैठा नहीं है ना कि कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस का मेरा खानदान है, एमआईएम भी है और भी पार्टी है, क्या जरूरी है? 5 साल नहीं देखे हैं क्या? नहीं देखे क्या जनसभा में? बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। हेलीकॉप्टर देखने आए हम लोग, हेलीकॉप्टर कैसे उतरता? विकास तो नजर नहीं आया, तो कहाँ से देखेंगे? हम अभी एमआईएम के सपोर्ट में, एमआईएम के सपोर्ट में, फिर भी कांग्रेस के सभा में आए क्यों? हेलीकॉप्टर देखने रही। और आपसे स्वागत है आपका अपने गाँव में। अभी हम लोग हैं लोहागरा हाट में, लोहागरा हाट बाहुन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आज कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पे लोगों की जो जनसंख्या दिखनी थी वो दिखी नहीं। आखिर क्यों ऐसा हुआ, यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं इस बार, और ये लोग किन के समर्थन में आए हैं। आप लोग आज यहाँ प्रोग्राम में आए थे, कैसा लगा प्रोग्राम? प्रोग्राम देखने के लिए आए थे, बस सुनने के लिए नहीं आए थे। देखने के लिए? हाँ, देखने के लिए थे, नहीं सुनने के लिए नहीं। देखिए कैसा लगा आप लोगों को? बस 5 साल से डॉक्टर जावेद को देख ही रहे हैं, बस काम हुआ नहीं उनका यहाँ। कुछ लोगों का कहना है कि वो 5 साल से दिखे नहीं, आप बोले देख ही रहे हैं। हाँ तो देख ही रहे ना, बस सिर्फ देखने के लिए आए थे। वोट तो इसका होता है, लेकिन काम नहीं किया यहाँ कांग्रेस ने। इस बार वोट हो रहा है डॉक्टर जावेद साहब को? इस बार डॉक्टर जावेद को वोट नहीं होगा। किसको वोट होगा? इसको एमआईएम को वोट होगा। एमआईएम का विधायक भाग जाता है? नहीं, एमआईएम का विधायक भाग जाता है, उसका कोई, उसका पार्टी को कोई दोस्त है? उसका विधायक का दोस्त है? नहीं नहीं, गारंटी है नहीं जाएगा। अच्छा, आज लोहागरा हाट है। हाँ। और ये प्रोग्राम जब भी यहाँ पे होती है, हाँ, भी हो, हाँ, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। कैसा भीड़ था? भीड़ कुछ भी नहीं था, ये भीड़ तो आम मुखिया का इलेक्शन होता है तो इतना भीड़ होता है। इससे ज्यादा भीड़ होता है? इससे ज्यादा भीड़ होता है। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? कोई खास प्रोग्राम अच्छा नहीं रहा। आप किसके सपोर्टर हैं? मास्टर मुजाहिद के सपोर्टर में। तो मास्टर मुजाहिद साहब तो कहना है, लोग कहना है कि वो बीजेपी से हैं। बीजेपी से? बीजेपी हमको बीजेपी से मतलब नहीं। हाँ। जदयू से मतलब, हमको मास्टर मुजाहिद से मतलब। मास्टर मुजाहिद विकास किया है। हाँ। हम मास्टर मुजाहिद के साथ हैं। कितना विकास किया? बहुत काम किया है। जैसे कोरोना का समय में मास्टर मुजाहिद रहा, कोई नेता को आप भी एक नेता का फोटो दिखा दिए, हम अभी उस नेता की तरफ चल जाएंगे। एक भी जावेद साहब का हो या अख्तरुल ईमान का हो, एक भी आप फोटो दिखा दिएगा तो हम चल जाएंगे उनकी तरफ। अच्छा। मास्टर मुजाहिद काम किया है, जैसे कोई बाहर में इंतकाल किया हो, विदेश में इंतकाल किया हो, उनको लाना, उनका बड्डी को दफनाना, मास्टर मुजाहिद ही एक ऐसा शख्स है किशनगंज में, उसने काम किया है। काम किया है? हाँ। इसलिए पसंद कर रहे हैं? हाँ, पसंद कर रहे हैं। होगा इस बार उनको ही वोट होगा। फिर यहाँ पे क्या करने आए थे आप लोग? देखने के लिए आए थे, हेलीकॉप्टर देख लिया। आप किसके सपोर्टर हैं? अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान के हैं? फिर यहाँ आए कांग्रेस के सभा? हम लोग देखने के लिए आए थे, हेलीकॉप्टर देखने के लिए। हाँ। कैसा लगा प्रोग्राम? थोड़ा कोई खास नहीं था। इससे पहले प्रोग्राम होता था? इससे बढ़िया होता था पहले।
सिद्धू जी आए थे 2019 में, भीड़ नहीं थी, बहुत भीड़ था उस टाइम, इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा यहाँ पे यहाँ के वर्तमान पूर्व विधायक सांसद जी को लेकर के केंद्र में कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, क्या सच्चाई है? इसके पास जाइएगा तो पहले बोलेगा लिख के भेजो, बार बार भेजो, ये कोई मतलब होता है? एक बार किसको जीता रहे हैं इस बार? एमआईएम को जीता रहे हैं। आपका क्या कहना है? किसके साथ हैं आप? हम साथ का मतलब नहीं है, बात यहाँ विकास की होती है, और इस बार जो विकास के ही नाम पर वोट होगा चाहे वो कोई भी हो जाए, जो प्रेजेंट है अभी वो राशिद आजाद है और जो डॉक्टर जावेद आजाद जो है वो हमारे यहाँ का किसी काम का नहीं है। अच्छा। जो बात है क्लियर है, हम दूसरे अख्तर रहमान को या मुजाहिद को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? आप तो जलान वाला कांड देखे होंगे, लिख के सुनिए ना, लिख के भेजो, लिख के सुनिए ना, जलान अगर साथ में है तो यही समझ लीजिएगा कांग्रेस को खरीदने का ताकत है। अच्छा। किसी को भी खरीदने का ताकत है, उसने खरीदा है, उसको दिया होगा 2-4 लाख रुपए, गरीब आदमी ऐसे तुम्हारा खाते बनवा देंगे, घर बनवा देंगे, तुम इस वीडियो को वापस ले लो। ऐसा यहाँ पे क्या करने आया आप लोग? सुनिए सबसे पसंद नहीं करते, तो सुनिए, कांग्रेस ने हमको सबसे ज्यादा पिछड़ा किया। कभी हम रेल साइकिल नहीं देखे थे, आज हम हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इससे बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हम यहाँ आए थे हेलीकॉप्टर देखने के लिए, ठीक है? लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप चाहे किसी को भी वोट दे दीजिए, आप चाहे अख्तर रहमान को वोट दे दीजिए, चाहे मास्टर मुजाहिद को वोट दे दीजिए, लेकिन ये जो भेदभाव वाला जो बात है, ये डिटोल से हाथ धोने वाला जो बात है, ठीक है? और खिड़की से ताक करके वो 1.5 किलोमीटर तक झांकने का काम है, पहले वो कैमरे में बैठ के देखता है कि है कौन, हमारे लायक बैठने लायक है तो हम उसको बुलाएंगे अंदर, नहीं होगा तो नहीं बुलाएंगे अंदर। ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए जो हमारे साथ में केले के पत्ते में भात खाने वाला हो, सब्जी खाने वाला हो, हमारे साथ में हो, हम ऐसा नेता चाहते हैं। किसको आप किसको चाहते हैं? किसको चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमारा कामयाबी करेगा, जो हमारे, आप देखिए एजुकेशन में आ जाइए, एजुकेशन में क्या है? आप बात बोलेंगे तो बात बहुत कम पड़ जाएगा, रात कम पड़ जाएगा, दिन कम पड़ जाएगा। बाद में बात करते हैं, आप पहले बात सुन लीजिए। आप लोगों को क्या, मैं यहाँ की लोगों को आंखें खोलना चाहता हूँ। सुनिए, जब मौलाना असद साहब हक थे तब कांग्रेस की सरकार थी, पहले सुन लीजिए, पॉइंटेबल बात है, ठीक है? कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी ने एमयू का न्यू दिया था, सब सारे लोग गवाही है, ठीक है? जब सोनिया गांधी जब शासन में थे तो वो न्यू दिया था, और मौलाना साहब हमारे उस समय सांसद था, फिर भी हम लोगों को दिल्ली में धरना देना पड़ा था। जब मानव संसाधन विकास मंत्री कबीर सिब्बल था, उस तक 3 महीना तक फाइल नहीं पहुंचा था, ये कांग्रेस की कमी थी। बिल्कुल, हमारे मौलाना साहब ने हमसे, आपके तरह ही एक मीडिया वाले लड़का था चौरा लंबा करके, उसने पूछा कि मौलाना साहब जब आपकी सरकार है तो आप टेबल ठोक करके अंदर बोलिए कि हमको ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हमको उसका फंडिंग कीजिए जो 450 करोड़ रुपया पास किए थे। लेकिन उस मीडिया वाले को जवाब देते देते मौलाना साहब का है ना दामन भीग गया था, लेकिन जवाब नहीं दे पाया था। मौलाना साहब रो दिया था कि आज एक पत्रकार ने हमसे क्या सवाल पूछ लिया कि सरकार हमारी, एमपी हम, और हमारे 450 करोड़ अलीगढ़ का फंड नहीं दे रहा है। ये कांग्रेस की कमजोरी थी। कपिल सिब्बल 3 महीना तक फाइल को खोल के नहीं देखा था। जब कपिल सिब्बल को पता चला तब राम कृपाल यादव ने कहा था कि तुमसे ज्यादा निकम्मा कोई नहीं है। चलिए, और लोग हमारे साथ हैं, किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? हम तो मास्टर मुजाहिद साहब के साथ हैं। साहब के साथ हैं। फिर इस प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ पे कांग्रेस के सभा में आए हैं। कांग्रेस का सभा में तो देखने आए। क्या देखने आए थे? बस हेलीकॉप्टर। कैसा लगा यहाँ का भीड़, यहाँ का हेलीकॉप्टर, यहाँ का, यहाँ के नेता? भीड़ तो कोई खास नहीं है, बस मान लीजिए जो फ्लॉप है, जी फ्लॉप हो गया। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट मास्टर मुजाहिद जीतेगा इस बार वो, जी इंशाल्लाह। क्यों दे रहे हैं उसको वोट? काम के नाम पर वोट दे रहे हैं, काम के नाम पर, हर क्षेत्र में काम किए हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मुस्फिक आलम। वोट दीजिएगा इस बार? दीजिएगा। आपका वोट है ना? किसको वोट कीजिएगा? एमआई को। एमआई को कीजिएगा? क्यों? एमआई अच्छा है। क्यों है भैया? हम लोग आए हैं देखने के लिए कि हमारा जो नेता आया है उनको देखना है, बाकी समझना भी है, काम भी अच्छा होना है, सब चीज़ चाहिए हम लोगों को। कैसा भाषण लगा? भाषण ठीक लगा, पार्टी ठीक है, बाकी जो उसका जो सांसद में अभी जो आ रहा है हमारा, कहाँ कुछ 5 साल के बाद एक बार दिखाई दे रहा है, जब वोट रहा है तभी दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट आपका 5 साल के बाद आज दिखा आपको? अब आज ही देखा हमने, जब फिर वोट डाला हमने, प्रोग्राम में आने का काम किया तो कहना तो पड़ेगा ही, नहीं आने से क्या, कम से कम तो आपसे बात होने की मुलाकात तो होने की एक तो बहाना हुआ, आपसे भी कहने का एक मौका हुआ। क्या शिकायत है? शिकायत कुछ नहीं है, बस शिकायत है यही कि वो 5 साल के बाद ही नजर आया है। अच्छा, उसके बाद नजर ही नहीं आता। 5 साल बाद तो इस बार फिर वोट कर रहे हैं आप लोग? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
मजबूरी है। क्यों मजबूरी? क्या मजबूरी ये है कि हमको सीट बचाना है। सीट बचाना है, हाँ। ये हमारा पूर्वक जो है, हमारा बड़े बड़े लोग है, वो तो कांग्रेस को ही चुनता है, इसीलिए हम लोगों को बचाना है, सीट तो बचाना है। विधायक तौसीफ जी अभी एक उनको सांसद जी के खिलाफ में भाषण दिए कि उनके अंदर में कमी है, क्या सच्चाई है इसमें? उनके अंदर में कमी है कि वो लोगों के बीच में नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, यही तो बात है। नहीं आता। और क्या कुछ शिकायत है आपको? अब उससे अब ज़्यादा क्या शिकायत होगा, बस आदमी से मिलने नहीं आता, यही बात है। तीन पार्टियां हैं, BMIM है, जदयू है, और सांसद में कांग्रेस है। किसको पसंद करते हैं लोग इस बार? अभी तक तो कांग्रेस ही ठीक है। चलिए, क्या नाम हो आपका? अनवर आलम। अनवर साहब, वोट दीजिएगा इस बार? जी, वोट देंगे। किसको वोट कीजिएगा? कांग्रेस को। कांग्रेस को कीजिएगा? जी। क्यों है? क्यों वो बचाएगा? आज प्रोग्राम में भीड़ देखा नहीं गया जिस तरह भीड़ होना चाहिए जी, फिर भी कांग्रेस को वोट कीजिए? क्यों? वोट देना ही पड़ेगा ना। देना ही पड़ेगा, क्यों? वही तो पूछ रहे हैं, क्या परेशानी है, क्यों देना पड़ेगा? पार्टी है वो, पार्टी अच्छा है ना? पार्टी अच्छा है, वोट मिलेगा? हाँ मिलेगा। राहुल गांधी को देख के वोट देंगे। मेरा फर्स्ट बार वोट होगा इस बार, और इंशाल्लाह हम राहुल गांधी को ही वोट देंगे, क्योंकि मेरा फेवरेट लीडर है, इसलिए हम राहुल गांधी को ही वोट देंगे। राहुल गांधी के समर्थक जी? डॉक्टर जावेद, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में बहुत कुछ दिया हम लोग को, यूनिवर्सिटी दिया, बहुत सारा कॉलेज दिया। जब से मोदी आया, ना कुछ हम लोग को कॉलेज दिया, ना कुछ यूनिवर्सिटी दिया, जबकि हम लोग के किशनगंज में एक छोटा सा शाखा बन रहा है, उसमें भी ध्यान नहीं दे रहा है, इधर से उधर बात को लेकर टहला रहा है, अगला बार बनाएंगे, फिर अगला बार वोट ले रहा है, फिर अगला बार बनाएंगे। इस बार हम लोग हारे या जीते, डॉक्टर जावेद से बहुत सारा आदमी नाराज है, इससे नाराज है, होने से कुछ नहीं होगा, हम लोग सीधे राहुल गांधी को वोट करेंगे और राहुल गांधी को ही देखे वोट देंगे। अच्छा, डॉक्टर जावेद से आप लोग खफा हैं? जी, डॉक्टर जावेद से इसलिए खफा हैं, वो क्योंकि MP है, घर का काम आके करेगा नहीं, क्योंकि इलाके में कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, आना चाहिए, आता नहीं है, इसीलिए सब आदमी डॉक्टर जावेद से खफा है और राहुल गांधी को वोट देंगे। सरकार में आ पाएगा इस बार, लगता है आप लोगों को? आ सकता है, हम लोग जरूर वोट करेंगे। आशंका जता रहे हैं हम लोग, अगर सपोर्ट करेंगे। आशंका ये जता रहे हैं कि फिर से भाजपा की सरकार आ रही है, लगता है क्या आएगा राहुल गांधी? नहीं, टक्कर तो बराबर का है राहुल गांधी का, जैसे भारत जोड़ो यात्रा से जैसे देखा जाता है रैलियों में, लगता है कि राहुल गांधी आ सकता है इस बार। आप लोग का वोट कांग्रेस को? ना, कांग्रेस को। डॉक्टर जावेद को देखिए, राहुल गांधी को? राहुल गांधी को देखिए। क्या भैया, क्या करें आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। कौन सी पार्टी पसंद है आपको? प्याज भाई, पार्टी तो हम लोगों को कांग्रेस का ही शुरू से ही पसंद है, और आज भी पसंद है, क्योंकि गरीबों का हर वक्त हर लम्हा वो साथ है। अच्छा। और कांग्रेस ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और करेगा, हमें उम्मीद भी है, मगर थोड़ी सी शिकायत है कि हम लोगों का जो सांसद डॉक्टर जावेद साहब है, ये हम लोगों का सुख दुख का आवाज़ बन करके उछलता नहीं है। हम चाहते हैं और आशा भी करते हैं कि अब के बार जो गलती हो गई वो अपना गलती को सुधारे, और आगे के लिए हमारा आवाज़ से आवाज़ मिलाकर हमारे दुख सुख दुख में वो काम आए। विधायक तौसीफ साहब, ये तो नहीं कहेंगे कि वो हमारे जी। विधायक तौसीफ साहब, उसके रिश्ते से बयान दिए कि डॉक्टर जावेद साहब के अंदर में कमियाँ हैं। हाँ। जो कमियाँ वो गिना रहे, वो कमियाँ आप भी गिना रहे, क्या सच्चाई है उनके बयान में? जी बिल्कुल सच्चाई है। तौसीफ साहब तो हम लोग का बेबाक लीडर है, और आज अगर ये तौसीफ साहब को ये टिकट मिल जाती तो ये इस तरह से सभा की कोई ज़रूरत नहीं था, ये अवाम ही इस तरह का सभा बन जाते और उनको इंशाल्लाह जीत हासिल हो जाती। इसलिए पिछले लोकसभा इलेक्शन में जब यहाँ पे सिद्धू का प्रोग्राम था तो यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग दिख रहे थे, इस बार वो तादाद नहीं दिख रही, किसकी कमी की वजह? कमी डॉक्टर जावेद साहब है, हज़ारों बातों की कमी है, डॉक्टर जावेद साहब है, जो क्षेत्र में वो नहीं घूमते हैं, तो आज क्षेत्र वाले उनके वजह से उनके सभा में नहीं आए हैं, और दो चार लोग जो आए हैं तो वो राहुल गांधी को ही देखते हुए आए। इस बार यहाँ से किसान लोकसभा से इंशाल्लाह कांग्रेस जीतेगी। कौन जीत रहे? कांग्रेस, डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद जीत रहे हैं। यहाँ पे अभी विधायक तौसीफ साहब एक बयान दिए जिसमें उन्होंने भी गलतियाँ गिनती करवाए हैं जी, क्या सच्चाई है इसमें? एकदम सच्चाई है कि वो देखिए, डॉक्टर जावेद की अगर कमी है तो विकास में कोई कमी नहीं है, आदमी से मिलजुल में उसका कमी है। हाँ। और वो भी इस बार सुधारेंगे, सुधार हो जाएगा। सांसद जी अपना मुझे इस बात को स्वीकार है कि नहीं? स्वीकार है, नॉमिनेशन के दिन स्वीकार है इस बात को। अच्छा। हाजी सुभान जब बोले थे कि आज अगर कोई बात अगर सुनना पड़ता है तो सांसद डॉक्टर जावेद की वजह से, तो ये बात भी डॉक्टर जावेद ने मंच पे आके डॉक्टर जावेद ने स्पष्ट किया, गलती अपना स्वीकारा है वो। कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ दिखनी थी वो नहीं दिखा। नहीं सर, ये किसकी कमी की वजह? नहीं सर, भीड़ था। हाँ। भीड़ था क्योंकि धूप के वजह से भीड़ नहीं था वहाँ पे। अच्छा। आदमी इधर उधर बैठे हुए थे, क्योंकि आज लोहागरा मार्केट भी प्लस जुमा का दिन भी है। मेरा घर तो यहाँ नहीं है, ठाकुर समूह में हम लोग का टोटल
कांग्रेस ही है, इंशाल्लाह कांग्रेस ही रहेगा। और यहाँ से हाँ जावेद साहब ही निकलेंगे, क्योंकि जावेद साहब को लेकर हम लोग जावेद साहब को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं, पार्टी को दे रहे हैं। रही बात हम लोगों का मूवमेंट का, तो मुस्लिम का ये तो सोचना चाहिए कि किसी को नहीं देना चाहिए, किसी और को नहीं, नहीं कांग्रेस को ही वोट देना बेहतर है। आप मुस्लिम का बात बोल रहे हैं, मुस्लिम पार्टी भी एक है, देना चाहिए, उसको भी क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, हम लोग कांग्रेस को देके आए हैं और उसी को देंगे, कांग्रेस को देके आए हैं। हागुन ब्लॉक तो हम लोग का ये वन में रहेगा। क्या कहेंगे कांग्रेस का ठेका लेकर के? तो किशनगंज का जनता बैठा नहीं है ना कि कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस का मेरा खानदान है, मैम ही है और भी पार्टी है, क्या जरूरी है? 5 साल नहीं देखे हैं क्या? जलाल से किस तरीका का बात किया था? तो बार बार जलाल रहने से क्या होगा? तो एक जलाल नहीं है ना, पूरा किशनगंज का जनता जलाल बन चुका है अभी। अच्छा। भीड़ नहीं देखे क्या जनसभा में? बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, सिद्धू के प्रभाव में बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो इसीलिए जनता फर्स्ट अगला बार इसलिए भीड़ था कि शायद आए थे डॉक्टर जावेद साहब पहली बार तो विकास करेंगे, पिछले 5 साल में तो चेहरा नहीं देखा, तो कैसे विकास? हेलीकॉप्टर देखने आए हम लोग, हेलीकॉप्टर कैसे उतरता? विकास तो नजर नहीं आया, तो कहाँ से देखेंगे? इतने हेलीकॉप्टर देखे हम लोग, एमपी साहब देख लीजिए, एमपी साहब प्रधानमंत्री, एमपी साहब जो 5 साल जो यहाँ का एमपी रहे, कितना मतलब पार्लियामेंट में आवाज उठाया। बिल्कुल। अभी जो अभी बड़े साहब जो आए थे कांग्रेस का नेता सीए एनआरसी, उसके बारे में वो चर्चा किए, तो जावेद साहब क्यों नहीं एक लफ्ज बोला पार्लियामेंट में? अगर इतना अंदर उसके अंदर सच्चाई है, सेकुलर जो मानते हैं वो उस पार्टी को, अगर ये लोग बोलने से पहले तो आप किसके सपोर्ट रहे? हम अभी MIM के सपोर्ट में, MIM के सपोर्ट में फिर भी कांग्रेस के सभा में आए क्यों? हेलीकॉप्टर दिख रहा है, हेलीकॉप्टर लोगों को उल्लू बनाने के लिए हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं, बस हार्ट है और यहाँ पे भीड़ नहीं, आखिर क्यों? वही मोहब्बत है आदमी का कि कांग्रेस को इस बार हटाना है यहाँ से। अच्छा, स्टेज के तरफ पूरा भीड़ नहीं है, इधर देखिए हेलीकॉप्टर की तरफ कितना भीड़ है सर, हेलीकॉप्टर की तरफ पूरा भीड़ है, उधर